है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आ रहा तो सो हो रहा है ना, यस डोमिनेंट के मैम। साथ रिसेसिव आ रहा तो सो हो रहा है। हाँ या क्या ये, हाँ यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अगर तुम एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो भी दे रहा है, अगर यहाँ पर डोमिनेंट है तो भी दे रहा है, ठीक है। मतलब चारों फॉर्म में एक छोटा हो एक बड़ा हो या बड़ा बड़ा हो या छोटा छोटा, सभी अपना अपना करेक्टर शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं शो कर रहे हैं, इसमें शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री में ही क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें क्या किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला तुम्हारा था स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉलर स्मॉलर, ये क्या है सिंगल मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, ये पता नहीं क्यों फिर से स्टार्ट हो गया है, क्या हुआ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था फिर से ये लग रहा है स्टार्टिंग से हो गया लग रहा है, अब दिख रहा है, यस मैम मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग मैंने दबाया था फिर से स्टार्ट हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो ये चार कलर दे रहे हैं, ठीक है, सभी अपना अपना करेक्टर शो कर रहे हैं, ऐसे इससे पहले हम लोग देख रहे थे ना, अगर डोमिनेंट वाला है तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही शो कर रहा है, या तो रिसेसिव वाला है तो रिसेसिव वाला शो कर रहा है, अगर कोई एक दूसरे के साथ आ रहा है तो या तो वो उसका करेक्टर को हाइड कर दे रहा है और वो अपना एक्सप्रेशन कर रहा है, ऐसा था ना पहले, बट यहाँ पे रिसेसिव साथ आओ चाहे डोमिनेंट के साथ आओ, डोमिनेंट डोमिनेंट हो रिसेसिव रिसेसिव हो या रिसेसिव डोमिनेंट हो, सब अपना दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कोलैबोरेटिव, मतलब आप बोल सकती हो ये सहयोग जो होता है, मतलब साथ में किसी की भी आपका, आप किसी के साथ कंपनी दे रही हो तो उसका साथ उसका वो करेक्टर शो हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप उसके करेक्टर को हाइड कर दे रहे हो, ठीक है, दोनों मिलके उस करेक्टर को शो कर दे रहे हो, ठीक है। यस मैम, कॉम्बिनेशन आप किसी के साथ आ रहे हो तो आप एक्सप्रेशन दोनों मिलके अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हो, जैसे मैंने सप्लीमेंट्री बताया ना, दवा जो वगैरह मेडिसिन कोई भी अगर हमारे बॉडी में कमी होता है तो हम मेडिसिन दे रहे हैं ना, सप्लीमेंट्री ले रहे हैं तो हम और अच्छा मतलब बॉडी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, yes, उस हिसाब से उसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि सभी अच्छे मतलब सभी को अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा टू पेयर्स नॉट एलिक, क्या है पता नहीं आपको, ड्रॉ खोलो जींस, ठीक है, यस मैम, स्पेस और स्पून लेना, पहले पानी खोला लो फिर डालना और नमक भी डाल देना, एक्सप्रेस डिफरेंट फिनोटाइप, ठीक है, अच्छी फिनोटाइप्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि सभी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं ना, इसलिए इंडिपेंडेंटली एंड ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू फिनोटाइप, ठीक है, when they come together, ठीक है, साथ साथ आ रहे हैं तो also मैंने इधर लिखा ना also, अच्छा नहीं पहले ऐसा हो रहा था ना, कोई किसी के साथ में आ रहा है तो कोई किसी का करेक्टर हाइड कर रहा है या सो नहीं होने दे रहा है या सो कर रहा है, बट यहाँ पे साथ साथ आ रहा है सो हो ही रहा है, क्या हुआ सिवा, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल देखो, समझ में आया, यस मैम, एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्म टाइप या सेव इन पॉलीयुरेथेन जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, ठीक है, मुर्गियों का कैसे कौन कौन सा सेप वगैरह, देखो अब इसमें वो करवाते हैं,
क्रॉसिंग करवाते हैं, तो मान लो ये हो गया कैपिटल पी कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये कौन सा कलर दे रहे हैं? पी दे रहा ना, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। यस मैम, मैंने बताया ना रिसेसिव के साथ भी आएगा तो भी शो करेगा, साथ में आ रहा है ना, हमको टुगेदर पे फोकस करना है, टुगेदर आ रहा है तो भी अपना फिनोटाइप शो कर रहा है, अकेले भी आ रहा है तो भी अपना डिफरेंट फिनोटाइप भी शो कर, इंडिपेंडेंट मतलब अदर से, ठीक है। क्या है? टू पेयर है ना, टू पेयर, एक ये पेयर हो गया एक ये पेयर, दो पेयर हो गया ना, क्रॉस करा दो। yes, तो यहाँ पे कैपिटल पी, तो यहाँ पे हम स्मॉल पी ले सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर ले सकते हैं, ठीक है। yes, ma'am. ये हो जाएगा तुम्हारा रोज कलर, रोज का आकार का, ठीक है, रोज है ना, देखो कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया ना, रोज हो गया। yes, ma'am. ठीक है, अब क्रॉस कराओगी तो क्या आ जाएगा, इसको उठाओ इसमें क्रॉस करो, इसको उठाओ इसमें क्रॉस करो, आ गया ना, और इसी तरह इसमें yes, कर दो, क्या आ जाएगा, कैपिटल पी आएगा, फिर कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, हो जाएगा ना। तो ये सभी तुम्हारे yes, कौन कलर के हो जाएंगे, शेप हो जाएगा, कुछ वॉलमेंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, सभी के सभी वॉलमेंट। अब हम इसमें सेल्फिंग करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देंगे तो एग्जैक्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा ना। डायरेक्ट नाम लिखेंगे, कैपिटल पी कैपिटल आर कैपिटल, ये सब नहीं बोलने वाले, ठीक है। ये तुम्हारा एफ वन हो गया, सेल्फिंग के बाद तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, ये गैमेट हो गया, गैमेट में लिखी नहीं, तुम लिख लेना जल्दी, ठीक है। इतना ज्यादा बन गया है ना कि स्टार्टिंग से अब वो करने को मन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखो ये इसका फोर फोर बन जाएगा, इसका भी फोर बनेगा, बनेगा कि नहीं, अब मैं बना के शो नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कई बार बना दिया है, मैं डायरेक्ट चार्ट पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये होगा, ये होगा, दूसरा क्या होगा बताओ, कैपिटल पी स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल आर, हाँ बिल्कुल सही। तीसरा बताओ, स्मॉल पी कैपिटल आर, ठीक है बिल्कुल सही, आगे बताओ, स्मॉल पी स्मॉल आर, अब तो तुमको आ गया है जी। yes. इतना ज्यादा अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तुमको, और भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। yes, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर ले लेना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, क्रॉस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉलनट हो जाएगा। यस मैम, वॉलनट, ये भी क्या हो जाएगा, वॉलनट होगा, ठीक है। देखो कैप्टर भी आ जा रहा है ना, देखो यहाँ पर वॉलनट yes, एक है ना, देख रही हो कैपिटल पी, या तो इसके साथ कैपिटल पी आ जाए या तो स्मॉल आ जाए, या तो इसके साथ स्मॉल आर आ जाए या तो कैपिटल आर आ जाए, वो बनाएगा वॉलनट ही, ऐसा नहीं कि पी की वॉलनट होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ वॉलनट, ये भी वॉलनट क्रॉस करके देख लो, ठीक है, ये भी वॉलनट, ये पी हो जाएगा, ये भी वॉलनट, पहले वॉलनट के लिख लेते हैं। yes, ma'am. और क्या होगा, ये भी तुम्हारा वॉलनट ही बनेगा, क्रॉस करके देखो, इसको इसमें क्रॉस करो, कैपिटल पी देखो कैपिटल आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना, वॉलनट बन गया। हाँ. इसी तरह इसको भी क्रॉस करो, ये देखो मैंने बताया था ना, या तो थर्ड का थर्ड आर स्मॉल भी होगा तो भी वॉलनट ही होगा, बना ना ना। yes, देखो आ रहा कि नहीं, ये कैपिटल पी एक आ जा रहा है, कैपिटल आ रहा है, मैंने बताया ना कैपिटल पी के साथ या तो स्मॉल आर या तो स्मॉल पी रहेगा तो भी अपना करेक्टर शो, ये दूसरी जगह क्या होता था, रिसेसिव आएगा तो करेक्टर नहीं शो होता था, हाइड कर देता था, रिसेसिव का कर देता था ना। yes, आगे ये भी वॉलनट,
अब वॉलनट वॉलनट हो गया, अब हम अब आगे पी कलर करते हैं। पी ये हो जाएगा पी कलर नहीं मतलब उसका आकार जो है ठीक है। पी का देखो क्या था, पी भैया कहाँ कैपिटल ठीक है। पी देख लो कैपिटल कैपिटल आ रहा है कि नहीं, कैपिटल कैपिटल रिसेसिव मैंने यहाँ यहाँ पर भी लिखा है देखो कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल आ रहा है ना, पी हो गया कि नहीं। यस मैम। हाँ जहाँ पर नहीं समझ में आएगा बोल देना, ऐसा नहीं बस लिख कर लिया हो गया। ये रोज कलर हो जाएगा रोज रोज रोज, ये मैं ऐसे कर रोज। यहाँ पर भी पी है बेटा सॉरी यहाँ पर भी पी रहेगा देख लो इसको इससे क्रॉस करो बात वही आ रहा है कि नहीं। स्मॉल स्मॉल जरा सो स्मॉल के साथ भी आ रहा तो भी तो करेक्टर शो कर रहा है। अब देखो ये मैं रोज कर दे रही रोज 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 ये क्या हो जाएगा जो लास्ट वाला एक एक यहाँ का और यहाँ का बताया था ना इस टू वन होता है ये क्या सिंगल शेप। चलो अब हम इसका वो बनाते रेशियो, इसका रेशियो पता है एग्जैक्ट उसके जैसे हो जाएगा मेंडल जैसे बट हम उसको मॉडिफिकेशन मेंडल की तरह मेंडल जैसे हो जाएगा। देखो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फिर 3 1 2 3 2 3 फिर देखो 1 2 3 2 3 1 हो गया ना मेंडल जैसे। यस मैम मेंडल जैसे हो गया ना 9:3:1 बट इसमें मॉडिफिकेशन है ठीक है मॉडिफाई करके। तो एक काम करना जो मैं 7 पॉइंट जो मैं पढ़ा रही हूँ नॉन एलिलिक का जो जो एडिंग करके मैंने बताया है ठीक है। यस मैम। कोलैबोरेटिव हो गया सप्लीमेंट्री हो गया उससे पहले क्या बताया था सप्लीमेंट्री से आगे ये रेसेसिव एपि हाँ रेसेसिव हाँ एपि स्टाइल ये सब क्या करना ना एक एक पेज छोड़ देना ये सब करने के बाद एक पेज छोड़ के ना सबका नाम लिख के सेवन जो है हाँ जो सब नॉन एनालिक में जो मैंने बताया था सेवनों का नाम लिख लेना सबका रिसेसिव लिख लेना ठीक है। यस मैम इतने याद रहेगा कंफ्यूज नहीं रहोगी। अब उसको मैं कराऊंगी तो फालतू का टाइम वेस्ट होगा वो तुम खुद कर लेना कर लोगी ना ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ टाइम वेस्ट होगा ठीक है वो आप कर लेना। नाइन क्या हो गया बेटा बॉन्ड थ्री क्या हो गया पी थ्री क्या हो गया रोज रोज क्या हो गया सिंगल। चलो हो गया ना आगे चलते हैं आगे आगे डालो एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव ठीक है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है उसका उनमें मैं डिफरेंस करके मैं तुमको बता देती हूँ ठीक है। इनहेरिटेंस लिख लो हेडिंग डालो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं साथ में क्योंकि अलग अलग बताएंगे तो टाइम लगेगा ठीक है। क्वालिटेटिव इसको हम क्या बोलते हैं बेटा मोनोजेनिक ठीक है एंड कंपेयर कर देते हैं ये क्या हो जाएगा क्वांटिटेटिव। ये क्वालिटी की बात हो रही है ये क्वांटिटी की बात हो रही है देख रही समझ रही है ना। यस मैम। क्वांटिटी यानी कि पॉलीजेनिक हो जाएगा ठीक। ये तुम्हारा मेंडेलियन रेशियो नहीं शो करेगा। हाँ वो फीका है बताया नहीं था क्या मैंने। हाँ मुझे लगा कि वैसे खिना दिए क्या उसको ठीक है। अब पॉइंट लिस्ट चलते बेटा एक पॉइंट में इसका ये यहाँ पर लिख लेना कि ये मेंडेलियन का शो करता है बट ये नहीं शो करेगा लिख लेना डोंट जिसमें मैं नहीं लिख रही हूँ समझ जाना वो शो करेगा
don't sow. Yes, ma'am. Mendelian residue. ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ पर inheritance लिख लेना. ठीक है, दोनों inheritance. अब हम देखते हैं बेटा, इसमें आप ये लिख लो कि ये क्या होता है. वन कैरेक्टर मोनोजेनिक है ना. वन कैरेक्टर तुम्हारा कंट्रोल होगा बाय वन जीन. ठीक है, समझ में आया. और ये क्या होगा, एक कैरेक्टर कंट्रोल होगा किसके थ्रू, क्या होगा बताओ. कंट्रोल बाय होते हैं एक से ज्यादा. यहाँ पर जिन की बात हो रही है बेटा. yes, अब तक हम लोग कहते थे कि एक जिन का ही करेक्टर को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर ये जस्ट उल्टा है. समझ रही हो, एक करेक्टर जो है वो कंट्रोल करने के लिए कितना जिन है, एक से ज्यादा, तभी ना पॉलीजेनिक होगा. समझी. यस मैम. जैसे मान लो तुम्हारा हेयर का कलर जो है ब्राउन, ठीक है, हाँ, तो वो ब्राउन कलर जो है, कलर तो तुम्हारा करेक्टर हो गया. ठीक है, हाँ, अब वो कलर कैसा है, ब्राउन है, काला है, कैसा है, जो भी है. तो वहां पे हम लोग तो यही कहते थे कि एक करेक्टर जो है कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा क्या कहते हैं, एक जीन या एक जिन जो होता है, अब तक हम लोग पढ़े थे कि एक जिन जो होता है वो कई करेक्टर को कंट्रोल करता है. बट यहाँ पर अपोजिट है, वन करेक्टर तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है किसके थ्रू, मोर देन, कई जिन मिलकर उसको कंट्रोल कर रहे, कोई एक नहीं. समझी. यस मैम. हाँ, हुआ क्लियर. यस मैम, हो गया. दूसरा देखो, वन डोमिनेंट एलील. One dominant allele, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, express the complete traits. traits की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, traits, quality, quality, ठीक है. Yes ma'am. Character नहीं, quality यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, पूरा एक ही डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस कर दे रहा है उसकी क्वालिटी को. ठीक है, लंबा है तो लंबा है, नाटा है तो नाटा है, इसका देखो इच, यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे ना, इच डोमिनेंट. भाई कई जीन है ना, कई जीन है यानी कि कई डोमिनेंट बनेंगे कि नहीं. यस मैम. एक्सप्रेस यूनिट, यूनिट या पार्ट, पार्ट ऑफ अ कंप्लीट ट्रेड. ठीक है, तीसरा लिखो. टू डोमिनेंट allele do not so, देखना ध्यान से, देख रही हूँ ना, यहाँ पे दो आ जा रहा है तो नहीं सो कर रहा है, यहाँ पे एक है तो सो कर दे रहा है एक्सप्रेस, यहाँ पे दो आ रहे हैं तो देखना क्या हो रहा है. do not so cumulative effect, इफेक्ट, ठीक है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब समझ रही हो, इंटरमीडिएट फॉर्म को नहीं सो होने दे रहे. जैसे कि काले गोरे मिलेंगे तो ब्राउन हो सकता है ना, बीच वाला करेक्टर को नहीं सो करने दे रहा. जहां दो डोमिनेंट आ गए, दो डोमिनेंट हो गया, मान लो कैपिटल आर हो गया, हाँ, और यहाँ पर इससे हो गया, तो ये दो हो गए ना, तो इसको नहीं सो होने देंगे करेक्टर को. यही अगर एक रहेगा तो सो कर करने देगा. समझी.
यस मैम समझी ना, ऐसा नहीं ना कि बस कह रही हो यस मैम। यस मैम समझ गई, बस ये तुम समझ जाओ। मैम समझ गई। उसको सो नहीं करने देगा, दो अगर रहेगा तो, मतलब बीच वाले को नहीं होने देगा। हाँ इंटरमीडिएट फॉर्म में ऐसा होगा। तुम एक पॉइंट लिख ही लो, लिख लो क्या लिखोगी इंटरमीडिएट फॉर्म इसमें? इंटर नहीं बनने देगा, इंटरमीडिएट मतलब बीच का करेक्टर। दो का अगर काले हैं और गोरे हैं तो बीच वाला बनता था ना, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट पे हम लोग पढ़े थे ना। हाँ बीच वाला कैरेक्टर शो। हाँ तभी ना भाई इनकम्प्लीट है तभी तो देख सकते हो। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है ना? नो मैम नहीं हो रहा है। और क्या लिख सकती हो? देखो एनवायरमेंट इफेक्ट लेस, इसमें कम होता है ठीक है, एनवायरमेंट इफेक्ट कम होता है। और ये तुम्हारे यहाँ पे लिख लो, यही पे लिख लो, मैंने ये पॉइंट ऊपर लिखवाया है ना, डोंट सो जैसे यहाँ पे लिख लो पॉइंट। ये क्या करता है फॉलो फॉलो या सो लिख सकती हूँ, फॉलो मेंडेलियन रेसिओ ठीक है। समझ में आया? यस मैम। इसमें लिखने इधर मैंने कंपेयर नहीं किया ना बेटा, इधर आप लिख लो इधर क्या होगा, टू डोमिनेंट अगर डू नॉट सो द क्यूम्युलेटिव इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हाँ तो लिखो दी डोमिनेंट एलएल ऑफ और दी जीन, देखो सभी जीन की बात हो रही है ना, ऑल दी जीन सो सो करेगा ना? यस मैम। क्यूमुलेटिव मतलब समझ में आया, यही होता है इंटरमीडिएट ठीक है, नहीं तो फिर पॉजिटिव क्या होता है समझी? यस मैम। बीच का नहीं बनने देगा, सहयोग नहीं होने देगा उसमें। आगे लिखो इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म नोट्स इसमें क्या होगा लिख दे क्या इसमें होगा, इसलिए मैंने डबल टिक कर दिया ना। सो या सी ठीक है, इसमें क्या होगा, होगा ना लगातार वेरिएशन होगा, यहाँ पर तो डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा था है ना। इन पिनो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ठीक है बेटा, और इसको हम बोलते हैं इसमें एनवायरमेंट इफेक्ट क्या होगा, मोर होगा ठीक। इसको मैट्रिक इनहेरिटेंस भी जानते हैं बोलते हैं, पॉइंट लिख लो, नोन एज मैट्रिक इनहेरिटेंस ठीक है। अरे चली गई क्या, कहाँ गई जी लड़की? कहाँ चली गई, कहाँ चली गई,
तो आगे क्या होगा? डिफरेंस हो गया चार्ट के थ्रू समझेंगे। आप इसमें लिख लो सीरियल नंबर, नंबर ऑफ जीन्स, देन फीनोटाइप possible, phenotype ratio हो जाए। इसका ratio क्या हो जाएगा? मान लो first, अगर first देखे serial number, second, फिर then third, तो क्या हो जाएगा? one जो है monogenic की अगर बात करें तो one होगा, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा? phenotype possibility कितना हो जाएगा? two होगा। और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। मोनोजेनिक का यही होता है ना, 3:1। एंड ये डायहाइब्रिड का आप देखते हो तो क्या होता है? सेकंड, उसमें पॉसिबल फिनोटाइप कितना आपका बनता है? 4। जिसका रेशियो क्या हो जाएगा? 9:3:1। ठीक है, ये थर्ड आपका क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? 3 बनेगा और इसका फिनोटाइपिक पॉसिबल कितना होता है आपका? 8 होता है। ये इसका रेशियो क्या होता है बेटा? आपका क्या बनेगा? 27 ट्राइहाइब्रिड में जो, ठीक है, 27:9:9:9:3:3:3:1, ठीक है। तो इसमें आप ये आगे लिख दो कि जो इसका एग्जांपल जो है पॉलीजेनिक का, ठीक है, ये लिख दो एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक
इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आप देखो कि इसमें कर्नल कलर इसमें बनता है फेट में, ठीक है। और इसको किसने दिया था सबसे पहले, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था पर्सन जो था पर्सन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पर्सन कौन था, बाई निशल क्या है ई एच एन ई, ओके। कब दिया था, 1908 में, ठीक है 1908 में। सेकेंड आप लिखो पॉइंट इसमें कि ये जो क्या स्किन कलर जो है, स्किन कलर और हाइट, हाइट हो गया ठीक, हाइट हो गया या ह्यूमन में, ठीक है इन ह्यूमन, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखो कॉब इम्प्लांट, इन प्लांट्स। फोर्थ पॉइंट लिखो हाइट, हाइट इन प्लांट और प्लांट्स हो गए, ठीक है। और एक पॉइंट और फिफ्थ लिखो मिल्क एंड मीट प्रोड्यूस इन एनिमल। सिक्स नंबर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट इन इन सेवरल प्लांट, ठीक है प्लांट्स। तो अभी हम देखेंगे बेटा इसका, अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कर्नल कलर विट में देखे, जो मैंने पहला पॉइंट बताया ये, इसको अगर देखे विट में तो आप देख सकती हो क्या हो जाएगा, हेडिंग डाल दो इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन कर्नल कलर इन वीट। इसमें कितने जीन हो जाएंगे बेटा, दो हो जाएंगे, ठीक है दो से अधिक। यहाँ पर आप ले सकते हो, मान लो एग्जाम्पल से अगर हम समझे, मान लो इसमें कितने हो जाएंगे, टू जीन। कौन से मतलब ऐसे ले सकते हो, एक तो आपका या तो कैपिटल ए होगा, या तो कैपिटल ए कैपिटल ए, या तो कैपिटल ए स्मॉल है, या तो स्मॉल है स्मॉल है, ठीक। एक ये मान लो, दूसरा मान लो एक कैपिटल बी है, या तो कैपिटल बी होगा, या तो कैपिटल बी, या तो कैपिटल बी स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल बी। इसमें अगर हम देखें क्रॉस कराएं, मान लो दो पेरेंट फॉर्म लेते हैं, मान लो क्रॉस कराएं, कैपिटल ए कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल बी, दो जिन ले लिए ना, इसको क्रॉस कराते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी पेरेंट भी हो गया। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्योर रेड, प्योर रेड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव है यानी कि व्हाइट। अब इन दोनों का क्रॉस कराओगे, गैमेट निकाल, गैमेट हो जाएगा ना, इसका कैपिटल ए और इसका कैपिटल ए कैपिटल बी हो जाएगा स्मॉल ए और बी हो जाएगा। फिर इन दोनों का क्रॉसिंग कराओगे तो आपका क्या जाएगा, ठीक है मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तुम्हारा एफ1 हो गया, ओके। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रेड हो जाएगा, जो बीच का कलर दे देगा इंटरमीडिएट रेड, ओके। और इसमें हम क्या करवाते हैं, सेल्फिंग, यहाँ पर लिख दे रही हूँ सेल्फिंग। तो सेल्फिंग आप करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एग्जैक्ट उसी से सेल्फिंग करवाते हैं ना। तो अब जो तुम जो पीनट स्क्वायर में बनाओगे वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक। ये फोर जो बनेगा, इसका भी फोर बनेगा और इसका भी फोर, तो दोनों को हम साइड साइड लिख लेंगे, एक मेल का हो जाएगा एक फीमेल का हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी हो जाएगा ना। इसका इसमें क्रॉस करा दो, फिर इसका इसमें क्रॉस करा दो, फिर इसका इसमें करा दो, फिर इसका इसमें करा दो, बन जाएगा ये चार ऑप्शन आ जाएगा आपका, कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा ना, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक। तो इसका आप क्रॉस कराओ तो क्या होगा, यहाँ भी कैपिटल ए
स्मॉल पी मैं क्रॉस नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट जितना डोमिनेंट फॉर्म है उसको मैं काउंट करके लिखती हूँ, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये स्मॉल है कैपिटल बी, स्मॉल है स्मॉल बी, अब तुम क्रॉस कराओ तो क्रॉस कराने के बाद आके हमको डोमिनेंट फॉर्म देखना ही है, तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा, ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे 4 डोमिनेंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कैपिटल ए, कैपिटल ए, 2 डोमिनेंट हो गए, 3 डोमिनेंट हो गए, 1 रिसेसिव हो गया, यानी कि 3। यहाँ पर फिर से क्रॉस कराओ तो देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, 3 हो गए और 1 रिसेसिव, यानी कि 3 डोमिनेंट। फिर इसका इसमें क्रॉस कराओ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पर क्या 2 ही डोमिनेंट हो रहा है ना, यहाँ पर 2, ठीक है। इसी तरह इसका इसमें क्रॉस कराओ तो क्या होगा, कैपिटल ए 1 हो गया, ये 2, ये 3, यानी कि डोमिनेंट कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह बॉन्ड इसमें 2, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह जो डोमिनेंट है यानी कि जो कैपिटल फॉर्म है उसको हम काउंट करेंगे, जो स्मॉल है रिसेसिव उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब फिर इसमें देखो कैपिटल ए, देखिए कैपिटल बी 2 हुआ ना, ये ए और बी को छोड़ देंगे तो 2 डोमिनेंट हो जाएंगे। इसी तरह इसमें करो तो ए बच रहा है, कैपिटल ए और कैपिटल ए बी और ए, कैपिटल ए बी और 2 बी बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना डोमिनेंट आपका हो जाएगा, ए, क्योंकि ए एक ही कैपिटल है ना। इसी तरह इसका आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, ठीक। इसका भी क्रॉस करके देखोगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 1 0, क्योंकि आप ये देख रही हो ना रिसेसिव हो जा रहा है, तो 0 डोमिनेंट का फॉर्म है तो यहाँ पर रिसेसिव, इसलिए मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मैंने आपको बताया डोमिनेंट एलील, मान लो निकाला होगा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, तो आप लिख सकती हो ना, लिख लो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, एलील, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 आपका क्या हो जाएगा, प्योर ब्रेड। कैसे प्योर 4 हो जाएगा, मैंने ये जब बताया ना 4, देखो ये मैंने यहाँ पर प्योर ब्रेड जो बताया ना, ये देखो ये है ना कैपिटल, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये बन रहा है ना, 3 हो गया तुम्हारा और प्योर रेड हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है, ये प्योर रेड हो गया, ठीक। दूसरा होगा क्या आपका, डार्क रेड, डार्क रेड। तीसरा होगा आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर में आपको बताया है ना कि डोमिनेंट जो होगा जो गोरा है, ठीक है, गोरा और जो काला है, अगर उन दोनों के बीच का भी कैरेक्टर इंटरमीडिएट भी सो होगा, ठीक है। ओके, और सिंगल सिंगल भी है तो वो भी अपना कैरेक्टर सो करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलीजेनिक है। तो यहाँ पर ये डार्क रेड हो गया, डार्क रेड कौन सा हो जाएगा बेटा, डार्क रेड आपका 2 होगा, ठीक। देखो यहाँ पर 2 है, बॉन, ये देखो ये 2 दे रखा ना, ये 2 है, ये 2 है, अब क्रॉस कर रहे हैं तो दो ही डोमिनेंट बन रहा है ना इस फॉर्म में, देखो कैपिटल ए कैपिटल ए, दो ही डोमिनेंट और ये 2 क्या हो जा रहा है, रिसेसिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका डार्क रेड हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट है तो ज्यादा ब्रेक करेगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इंटर